हेलो। अच्छा आज क्या हुआ, रास्ते में जा रहा था, रेस लगा रहा था, मैं जा के आ रहा था, रेस लगा रहा था, यहाँ मैं रेस लगाता हूँ, ठीक है, खेत है यहाँ पे। तो मुझे ये ब्लैक ब्लैक कुछ दिखा, गौर से देखा तो पता चला कि ये यूट्यूब पे ट्रेंड करने वाली चीज़ है, तो मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए, शायद मेरी वीडियो भी ट्रेंड कर जाएगी। तो यह फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो पता नहीं कैसे होने वाली है, शायद चेहरा भी साफ़ नहीं आ रहा है क्योंकि रिफ्लेक्शन सामने से पड़ रही है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ट्रेंडिंग देखते हुए, रास्ते में भी आजकल ट्रेंडिंग मिल रहा है मुझको। कैमरे के फोकस कहाँ पर है, कैसे देखूँ इसको मैं, फ़ोन से ही कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा काम चला लेना, सोचा कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया जाए आप लोगों को, पसीना आ रहा है। मैंने मैंने मेहनत की है यार, मैंने मैंने कोशिश की अभी मतलब पसीने बहाने की, आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसे पसीना बहाकर बॉडी बनाई जाती है। ओह पता नहीं इस बात का कोई मतलब बनता है नहीं बनता, बट बोल दी मैंने, क्योंकि ब्लॉगिंग में बोलना होता है ना, चुप नहीं रहना होता। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, बहुत सारे जो ब्लॉगर मैंने जिनको देखा, तो बोलते रहना चाहिए कंटिन्यू, जो भी आपके मुंह में जो भी हो, मतलब जो भी आए मन में, जो भी आए मुंह में, क्या मतलब मन में जो भी आए वो बस बोलते रहो, और उसे क्या कहते हैं, व्लॉगिंग कहते हैं। अच्छा नज़ारा पता है कितना अच्छा है, हाँ सनसेट देख सकते हैं, बट सन जो है वो बादलों के पीछे छुप गए, वरना सनसेट दिखा देता मैं, पर मैं दिख नहीं रहा, मैं कट रहा हूँ यहाँ से, मैं कैसे दिखूँगा मैं तुम लोगों को, मैं ऐसे दिखूँगा ना यहाँ से, तो बिल्कुल ही वो हो रहा है, ठीक है, मैं कैसे दिखूँ, मैं ऐसे बादल देख सकता हूँ, एक मिनट रुको मैं तुमको ना बादल दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो देखो वो ना उधर छुप गया, उधर उधर बादलों में ना वो छुप गया, उसको पता चल गया आज, उसको मैं ना कैप्चर करने वाला हूँ, मैं कहता साले तो उसको दूंगा मैं कंटेंट, तो वो कंटेंट के चक्कर में मतलब छुप गया यार, किस्मत ही ख़राब है, कंटेंट कंटेंट नहीं मिलता यार मुझे, तो सनसेट के लिए मुझे सिंगापुर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सनसेट ना ज़्यादा अच्छा दिखता है, भारत का सनसेट दिखता नहीं ना, या गोवा जाना पड़ेगा भारत में, और कहीं तो सनसेट होता ही नहीं ना तो चलो बाहर निकलेगा उसको मैं पकड़ूंगा मैं। अभी ना वो आ गया, थोड़ा थोड़ा ना बाहर आ रहा है, सूरज की बात कर रहा हूँ मैं, तो सूरज देवता बाहर आ चुके हैं, थोड़ी सी कमी रह गई है, जैसे ही आएगा मैं उनको ना कैप्चर कर लूँगा, मुझे समझ नहीं आता मैं तो स्क्रीन पे देखना चाहिए कैमरे में देखना चाहिए, आई थिंक कैमरे में देखना चाहिए, तभी मुझे लगेगा मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वैसे मैं दिख नहीं रहा हूँ यार, ब्लैक ब्लैक आ रहा हूँ, कमी है यार, बेरोजगार हूँ मैं, बेरोजगार इंसान के पास कमियाँ ही कमियाँ हैं, ढंग का कैमरा नहीं है, ढंग की लाइटिंग, लाइटिंग तो बाहर कौन लाता है, बट जो भी है ढंग का कैमरा नहीं है अपने पास, सोनी कैनन वाले अभी स्पॉन्सर नहीं कर रहे ना, मैंने उनसे बात की है स्पॉन्सर करो मुझे, बट पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना हमारे जैसों के साथ काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, प्रोफेशनल लेवल मैच नहीं होता ना हमारे साथ उनका, तो वो थोड़े हिचकिचा रहे हैं। अब यार क्या बात है यार, ये कोई बात है क्या, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो देखो वो दिख रहा है ना, वो छोटा छोटा लाल सा लाल लाल, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसकी कैमरा बड़ा अच्छा है हमारे पास, 10 गुना जूम हो जाता है, हाय 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 क्या सुंदरता है यार, ये है यार, मैं मुझे ना पहले लगता था कि यार भारत में सनसेट नहीं होता, क्योंकि मैंने ज़्यादातर व्लॉगिंग में सनसेट कहीं और ही देखा है, तो मैंने आज फिर देखा यार दिखाना चाहिए कि भारत में पहली बार सनसेट हो रहा है हाँ यार क्या खूबसूरती है। वैसे इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तुम लोगों को थोड़ा बहुत, ये खेत हैं हरियाणा में, ठीक है, कभी देखे हो तो, खेत का नाम सुने हो तो भाई साहब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ गोला चक्कर लगाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ से जाते हैं, और 1 किलोमीटर का गोला आता है, वहाँ से आता हूँ मैं, अभी मैं प्रॉपर दिखा नहीं सकता, वही कहाँ ना मेरे पास कमी है यार, कमी इस चीज़ की है यार, ड्रोन ड्रोन नहीं है यार मेरे पास, ये चिड़िया के कैमरा बांध के लगा सकता हूँ क्या मैं, चिड़िया मेरे लिए ड्रोन का काम करेगी, पता नहीं यार, वो भी कर दे तो मतलब मज़ा आ जाए ना, अगर चिड़िया भी ड्रोन का काम कर दे तो, वाह यार सनसेट हो गया इतनी, मैं कभी फुर्सत में दिखाऊंगा तुम लोगों को, और आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं ब्लॉगिंग क्यों कर रहा हूँ, बट कहते हैं यार जो मन में हो मतलब जो दिल में आए वो कोई बोलता तो नहीं, मैं मतलब अपनी बात बोल रहा हूँ, ब्लॉगिंग क्या होता है कि तुम्हारे अंदर के थॉट जो है वो तुम शेयर करते रहो, स्क्रिप्ट नहीं होती यार सबसे अच्छी चीज़ होती है, और मेरे चैनल में मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, और हाँ रिव्यू वाले चैनल में, और मैं इसमें पहली बार ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तुम पता नहीं तुम लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, वैसे मैं अपनी पुशअप छोड़ कर तुम्हारे साथ में वो कर रहा हूँ, मुझे पुशअप छोड़नी तो नहीं चाहिए बट छोड़ देता हूँ आज, कह दूँ मैं ब्लॉगिंग का बहाना आलसी होते हैं यार लोंडे सारे, आलसी होते हैं उनको बस बहाना चाहिए होता है, ऐसा नहीं है यार, अभी मार के जाऊँगा पुशअप में, ठीक है, जैसे ही बंद कर दूँगा ना फिर पुशअप के बाद तुमसे मैं बात करूँगा, अब मैं इधर उधर पता क्यों देख रहा हूँ,
मैं इधर उधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यार कोई आ ना जाए यार, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ तो वो कहेंगे कि यार किससे अकेला बैठा बैठा बात कर रहे हैं। तो इतना मैं वो नहीं हूँ यार, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ किसी चीज़ को लेकर, बार बार खुजली कर रहा हूँ क्योंकि पसीना आए हुए हैं, मैं दिख नहीं रहा यार साफ। ये चीज़ गलत है यार, मेरे पास कैमरा होना चाहिए था, अच्छा DSLR होना चाहिए। मैं बात करता हूँ कैनन वालों से, कैनन वालों को कहूँगा मैं अपना थोड़ा सा वो कर दूँगा, आप लोगों को डिस्काउंट कर दूँगा, मुझे स्पॉन्सर कर दो, वो करेंगे मुझे पता है। बादल देखो यार, मुझे नेचर बड़ा पसंद है यार, नेचर तो हर किसी को नहीं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, जो भी है पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो चलते चलते दिखाता हूँ, आज मैं करता हूँ कुछ 10 मिनट की बात आप लोगों से, 10 मिनट हो पाता है नहीं हो पाता मुझे नहीं पता, बट करने की ट्राई करता हूँ मैं। और इन सबको मिला कर, अभी देखो कुछ देर अभी हो गई है, और इन सबको मिला कर आप लोगों को पेश कर दूंगा, एक आपका टाइम ख़राब करने के लिए कह लो, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग देख लो मिल जाए तो। इंटरेस्टिंग तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दिया कि था यूट्यूब का ट्रेंडिंग। और हाँ, मुझे बाद में याद रहे ना रहे, शायद मैं कैमरा चला पाऊँ ना चला पाऊँ, बट अभी जाते जाते आज मैं जो बना रहा हूँ वीडियो, आज है दशहरा, तो हैप्पी दशहरा मेरे 25 व्यूअर्स को, जो 25 से ऊपर तो कभी जाते नहीं है, 25-26 व्यूअर्स है, मतलब मेरी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, कोई ना यार, हैप्पी दशहरा, सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। और आने वाले दिवाली वाले दिवाली जो आ रही है अब, उस दिन देखते हैं यार, या फिर हैप्पी दिवाली एडवांस बोल देता हूँ, क्योंकि यार पता नहीं होता ना उस दिन क्या हो क्या नहीं हो, हम इस काम में तो नहीं है कि आपको डेफिनेटली उस दिन मिले ही मिलेंगे। चलो फिर, अभी मैं जाते जाते हो सकता है तो दिखा देता हूँ, वैसे भी कोई आ रहा है मुझे रखना पड़ेगा, चलो फिर रखते हैं। हाँ तो मुझे अब समझ में आया, ऐसे व्लॉगिंग करनी चाहिए, मतलब ऊंचा ऊंचा कैमरा रखना चाहिए, पीछे देख रहे हो, तो ऊंचा कैमरा रख कर ही हम कर सकते हैं, मतलब व्लॉगिंग कर सकते हैं। और तो अब जाने का हो गया टाइम भाई, जाने का टाइम इसलिए हो गया क्योंकि अंधेरा हो गया, आपको दिख नहीं रहा कैमरे के अंदर, देखो यार पीछे कोई आ नहीं रहा, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कोई आए ना, पर बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं इस करके, हाँ मैं बना नहीं पाया, बस अभी जाने का टाइम हो गया। दो रास्ते जाते हैं, किधर है किधर, ठीक है मैं कौन से आया हूँ, मैं उधर से आया हूँ, ठीक है मैं उधर से आया हूँ, अभी जो मैं जा रहा हूँ अब घर पे, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है यार हाथ, अच्छा ऐसे व्लॉगिंग करते हैं, वाह यार कितनी मतलब कैमरे की क्वालिटी देखो यार कितनी ज़बरदस्त है। पीछे एक बंदा आ रहा है, भागा भागा, वो देखो भाग रहा है ना, यहाँ तो नहीं आ रहा ना, हो गया हो गया। स्टेबलाइज़र नहीं है, समझ लेना कि मतलब हिल बहुत रहा है कैमरा, बहुत हिल रहा है। और अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, घर जाने की बारी आ गई, अब घर जाते क्या, देखो एंट्री उंट्री इसमें ऐसा नहीं है कोई टिकट टुकट नहीं पड़ती है, एंट्री कहीं से नहीं, एक गेट है वहाँ पर, उधर पीछे जाके इतनी दूर कौन जाए। तो हम क्या करते हैं कि तारें लगाई हुई होती हैं इस खेत के, ताकि जानवर इसके अंदर ना पाएँ, खेत में फसल ख़राब ना कर पाएँ। तो लेकिन इंसानों से बड़ा जानवर और कौन हो सकता है, उनको कौन रोक सकता है, तो हम तारों को लांग आते हैं, हमने भी तार लांग दी, अभी दिखाऊंगा, वो सामने ही तार है, वो मैं तुम्हें आगे का दिखाता हूँ एक बार। ये देखो ये रास्ता जाता है, ठीक है अब क्या होता है ना आगे का, इसमें कैमरे वाले में ऐसा नहीं है ना कि मैं इसको घुमाऊंगा इधर उधर हो जाएगा, वो वाला सिस्टम नहीं है यार, तो मुझे कैमरा एक बार पॉज करना पड़ता है, फिर दोबारा दूसरा कैमरा चलाना पड़ता है। हेलो, ऐसे ऐसे ना बहुत हैं यहाँ पर, खाते खुते नहीं है, वैसे ही डर जाते हैं अपने से ही, हाँ जानवर है बेचारे सूधे साधे। एक और है क्या, कोई ना, वो वहाँ ना वहाँ वहाँ आके उधर उधर झाड़ियों में ना तारें लगी हुई हैं, तारों के नीचे से हम आते हैं, तो बस वहाँ तारों तक का अपना साथ है, फिर इसके बाद मैं व्लॉगिंग बंद कर दूंगा, क्योंकि भाई साहब आ जाए आगे आ जाता है शहर, और अपने पास इतनी हिम्मत नहीं है भाई साहब कि शहर में, शहर का मतलब कि मतलब जो कॉलोनी आ जाती है ना जहाँ पर मेरे जैसे प्राणी रहते हैं, मतलब इंसान रहते हैं अकेले, तो वहाँ मुझसे ना व्लॉगिंग हो नहीं पाती, वो ऐसे ना आके फाड़ फाड़ के देखते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है बंदा, किससे बात कर रहा है, और ऊपर से कैमरा हाथ में, तो पता नहीं ऐसे देख लेते हैं, वो देखो छत पे कोई चढ़ा हुआ है। मैं किसी को कैप्चर नहीं करना चाहता हूँ यार, किसी की प्राइवेसी प्रोवेसी की बात आ जाती है, बट मैं रख देता हूँ यार, क्योंकि यार गलत चीज़ हो जाती है, किसी का घर घर दिखता है मुझसे, मैं वो अच्छी चीज़ नहीं लगती मुझको। तो बस आज के लिए यहीं रखते हैं यार, आप लोगों को हैप्पी दशहरा बोल दिया है, तो व्लॉगिंग का मैं अंत करना चाहता था, काफ़ी देर तक वेट किया मैंने, कोई ना आए इसलिए कोई नहीं आया, मैंने सोचा चलो आपको व्लॉगिंग करके दिखा देते हैं आज कैसी होती है कैसे करते हैं, मतलब मैं सीख लेता हूँ यार कैसे होती है कैसे करते हैं। आई होप सो आप लोगों को कुछ कुछ थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, वैसे मैं कभी कहता नहीं हूँ किसी को सब्सक्राइब करो या लाइक करो, कुछ नहीं कहता, क्योंकि मेरा फंडा यही है कि यार पसंद आए तो कर देना, ना आए तो मत करना भाई, कहने से थोड़ा ना तुम आ जाते हो यार, ठीक है।
तो बस आज के लिए यहीं रखते हैं। देखो यहाँ पे गंदगी बहुत है, ये हमारे जैसे प्राणियों ने इकट्ठाई होती है, यानी इंसानों के द्वारा की हुई हरकतें हैं ये सारी की सारी। कोई ये जानवर नहीं करते हैं, ये जानवर से भी कुछ ज़्यादा भयंकर चीज़ होती है ना इंसान, वो करते हैं। देखो ये तार है, इसके नीचे से जाऊँगा मैं, चलो बस यहीं।